उत्तर पूर्वी दिल्ली में अब करीब करीब शांति है। हालांकि शुक्रवार की सुबह भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद शिव विहार में एक 60 साल के बुजुर्ग की हत्या की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या कर दी है। इस तरह दिल्ली में मरने वालों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। दिल्ली के शिव विहार की घटना को छोड़ दिया जाए तो पिछले 2 दिनों से बाकी कुछ सामान्य है। लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए पुलिस बल फ्लैग मार्च कर रहा है, तो वहीं लोग घरों से निकलकर रोजमर्रा के कामों में जुट गए हैं। सुबह सुबह लोगों ने पार्क जाकर जॉगिंग की, कई इलाकों में दुकानें भी खुली हैं। संवेदनशील जो क्षेत्र हैं उसमें पुलिस डिप्लॉयमेंट है, सीनियर ऑफिसर्स लगातार इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं और स्थिति पे पूरी तरीके से नियंत्रण है। संवेदनशील जो क्षेत्र दिल्ली हिंसा पर आम लोगों का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। हम डेली दुकान खोलते रहे। दूध का दाम आपने बढ़ाया था? नहीं, दूध का दाम नहीं बढ़ाया, वही रेट चलता रहा बराबर। क्या बिक्री में क्या अंतर है? अभी कम आ रहे हैं लोग, बाग थोड़ा डर के कम आ रहे हैं। आज देखते हैं जी क्या होता है, कल भी नहीं इतना नहीं हुआ, बस डरे हुए हैं अभी लोग, बाग से नहीं आ पाते। दिन पे दिन लोग बढ़ते जा रहे हैं, सब घर से निकल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दुकान भी बराबर खुल रही है उसी दिन से। दूध का दाम तो नहीं बढ़ा दिया था? नहीं, दूध का दाम वही है, और जो यहाँ पे आ रहे थे उनके लिए भी हमने सुरक्षा कर रखी थी, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जो भी दूध ले रहा था सब दूध दिला रहे थे और छोड़ भी रहे थे, आने जाने की व्यवस्था भी कर। माहौल इस टाइम तो सही है? नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो आप जा खूब बढ़िया हो रही है, दुकानें भी खुली थोड़ी बहुत, यहाँ भी दूध लेने आए, डेली आते हैं दूध लेने के लिए। बहुत बढ़िया माहौल है, कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं फिलहाल में। पीछे दिनों जो कुछ हुआ दिल्ली में उसको लेकर स्थिति थोड़ी पैनिक थी? नहीं नहीं, अब तो ठीक है, अब हाँ आराम है, कोई दिक्कत नहीं। माहौल तो पहले खराब था लेकिन अभी सो है, कोई ऐसा नहीं है। लोग बाग घर में से निकल भी रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, हम भी नमाज पढ़ के अभी पार्क में घूमने आए। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं सर, अब कोशिश का मामला है, सबको यहाँ बुला रहे हैं भाई, लोगों से मिलना जुलना सारा हो रहा है।